नमस्कार। आज की हमारी कविता है बात सीधी थी पर। इसमें कविता में कवि ये कहता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कि वो कोई बात है जिसको बहुत सीधी सी बात है और वह कहना चाहता है, लेकिन उसने सोचा कि मैं कोई अच्छी भाषा का प्रयोग करूं, इसलिए उस भाषा के चक्कर में वह बात जो थी उसकी सरलता बिल्कुल खो सी गई और वो सरल सी बात बिल्कुल जटिल हो गई, मुश्किल हो गई। तब मूल बात को व्यक्त करने के लिए उसे भाषा के शब्द, वाक्य आदि को बदलना शुरू कर दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि भाषा को उसने उलट पलट, तोड़ मरोड़ के जो एक सीधी सी बात थी उसे कहने के चक्कर में कभी तरोड़ रहा है, कभी मरोड़ रहा है, कभी इधर घुमाता है, कभी उधर बात को घुमाता है कि मूल बात सामने आ जाए। बार बार कोशिश करता है कि बात सहजता से वह बता सके, लेकिन कह नहीं पाता है। और भाषा के कारण, भाषा के साथ साथ बात और भी मुश्किल हो जाती है, उसे व्यक्त करना और भी मुश्किल हो जाता है। और यह जटिलता जो है इसमें भाषा की जो मूल बात थी उसकी सरलता खो जाती है और यह जटिलता प्रतिपल बढ़ती ही चली जाती है। भाषा के चक्कर में जो शब्द प्रयोग किया है वो यहाँ पर जानबूझकर सुंदर और अलंकृत बनाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है कवि ने। इस भाषा में जटिलता, घुमाव, फिराव, अलंकार, सौंदर्य आदि ठूसने के कारण बात जो थी, मुख्य जो बिंदु था, वो तो रह ही गया और उसी के बीच में उसका संदेश उलझ करके रह गया। अन्य पंक्तियों में फिर वो कहता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी कि वह कह रहा है कि जो भी मेरे सामने मुश्किल थी उसे मैं समझे बिना, बिना सोचे समझे, मैं जैसे किसी पेच को हम खोलते हैं लेकिन खोलने की बजाय उसे उल्टा कस देते हैं, उस तरह से मैं कहीं और ही, किसी और ही रास्ते पर जा रहा था, कुछ और ही व्यक्त कर रहा था। और जो मैं ये कर रहा था उससे मुझे जो तमाशा देखने वाले लोग हैं, जो मेरा तमाशा बना रहे थे, उनकी वाह वाह मुझे साफ सुनाई दे रही थी और मेरी भाषा जो थी पेचदार बन गई, जटिल बन गई। इस पर भी मुझे तमाशबीन लोग जो हैं बधाई दे रहे थे और मुझे प्रोत्साहन भी दे रहे थे। इसी कारण मैं अपनी भाषा को और भाव को और भी जटिल बनाता चला गया। क्योंकि मनुष्य की जो आदत होती है वो क्या होती है कि जब भी उसे लोगों से तारीफ़ मिलती है तो वो अपने उसी काम को बार 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 करना चाहता है। तो कवि कहता है कि जब उसने भाषा में और भी जटिलता लाने का प्रयास किया तो उसे लोग और भी प्रोत्साहन देते गए और इससे इसकी भाषा जो थी वो पेच खुलने की बजाय कसते चले गए, यानी कि दूसरे ही किसी अर्थ में वह अपनी अभिव्यक्ति करने लग गया। लोगों की वाही वाही के चक्कर में अपनी मूल समस्या पर भी वह ध्यान नहीं दे पाया और इससे जो है उसने जो जटिल बनाने का कर्तव्य है उसका, इस पर वह सोचे समझे बिना ही उसे और उलझाता चला गया। लोग जो हैं लेखक की प्रशंसा करके उसे बढ़ावा दे रहे थे और वे अभिव्यक्ति के सौंदर्य को जानते थे, उन्हें अर्थ से कोई मतलब नहीं है, उनका काम था तालियां बजाना और पीठ ठोकना। इसका मुख्य संदेश क्या है इस कविता के इस पद का, कि अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए। बिना बात किसी बात से उलझना, जटिल बनाना और कठिन बनाना वांछनीय नहीं है, उचित नहीं है। कर्तव्य शब्द जो यहाँ पर प्रयोग लाया है वो व्यंग्यपूर्ण है और जानबूझकर भाषा को कठिन करना साधना नहीं, कोई कर्तव्य या करिश्मा ही हो सकता है। तीसरी पंक्तियों में वह कहता है,
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी कि जो पेच कस रहा है तो उसकी चूड़ी खत्म हो गई है, यानी कि उसे यही डर था कि मैंने जोर जबरदस्ती अपनी भाषा को जटिल बनाया तो मेरी बात जो थी उसकी बिल्कुल ही चूड़ी मर गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। जब किसी पेच की चूड़ी मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसे हम ठोंक देते हैं कील को उसी ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। यानी कि भाषा देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी लेकिन जैसे ठोकी हुई कील होती है, ज़बरदस्ती हम किसी काम को कर देते हैं, वैसे ही बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, एक मेरी बात जो थी वो मुझे अभी भी एक शरारती बच्चे की तरह बार 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 मेरे साथ खेल रही थी। मुझे पसीना पहुँचते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? और तब क्या पूछते हैं उससे, भाषा क्या पूछ रही है कि तुमने क्या कभी अपने भाषा को अच्छे से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अयोग्यता है, तुम इसके योग्य नहीं हो भाषा के। जो लोग बड़े बड़े शब्दों से आडंबर से बात को उलझाते हैं वे भाषा प्रयोग में अनाड़ी होते हैं। यानी कुछ लोग जो बात बोलना चाहते हैं उसके लिए अनाप शनाप 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 शब्दों का प्रयोग करते चले जाते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ कवि कह रहा है कि शरारती बच्चे भी नियंत्रण से जैसे बाहर हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरी भाषा जो है वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है और उल्टा मुझी से पूछ रही है कि क्या तुमने कभी भाषा को बरतना नहीं सीखा। ये देखिए कि यहाँ पर कितना मतलब कवि को किस बात का भय है, उसे पहले से ही डर था कि उसकी बात जो है वो खो ना जाए, जो बिल्कुल सीधी सी उसकी बात है। भाषा को सहूलियत से बरतने का यहाँ पर मतलब है अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट और बनावट के कहना। यानी जो आप चाहते हो कहना उसे घुमा फिरा करके ना कह करके टू द पॉइंट जो बात है उसको कहना। हमारे एग्जाम्स में भी ये बात लागू होती है कि हमें जो बात है वही कहनी चाहिए, हम कुछ और बताते जा रहे हैं लेकिन मुख्य बात, मुख्य मुद्दा जो हम प्रश्न या उत्तर लिखना चाह रहे हैं उसको नहीं बता पाते हैं तो हमारे वहाँ पर सीधे मार्क्स चले जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी बात को बिना लाग लपेट के और बिना किसी बनावट के कहने का अर्थ है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, कि हमें भाषा को बरतने की तरीका आना चाहिए कि हम उसे कैसे व्यक्त कर रहे हैं अपनी बात को, इसमें क्या है, बात को सहजता से कहना है। यदि बोलने वाला अपनी बात को बिना किसी बनावट के, बुनावट के, जटिलता के, वक्रता यानी किसी भी टेढ़ी मेढ़ी बात को घुमा फिरा के ना कहने का को छोड़ दे तो उसकी बात बन जाती है और जो वह भाव है, जो उसका भाव है, जो व्यक्त करना चाहता है पूरी तरह से वो श्रोता तक पहुंच जाता है। परंतु यदि अपनी बात को चमत्कारी बनाने के फेर में जानबूझकर कोई तोड़ता मरोड़ता है या उसे मुश्किल बना देता है तो उसकी बात जो हो तो प्रकट हो ही नहीं पाती है और वो बीच में ही रह जाती है। इस प्रकार से उसके बात का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और बात अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है और बात के कहने का तात्पर्य कभी जब ही सिद्ध होता है तब आपकी बात किसी सामने वाले को यानी सुनने वाले को समझ में आ रही हो। अगर आपकी बात किसी के समझ में ही नहीं आ रही है तो उसकी सौंदर्य का कोई मीनिंग नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वाही वाही जो है, वाही वाही करना, इसके चक्कर में रहना, ये तो जो आपके समर्थक हैं यानी जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, अंधे आपकी प्रशंसा करते हैं, उनका धर्म होता है। आप जो भी कह लो आपके समर्थन में नारे लगाएंगे और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि प्रायः अंधे समर्थन को पा करके भटके हुए मार्ग पर चलते चलते हम अंधे कुएं में गिर जाते हैं और हमारा लक्ष्य में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जो सीधा रास्ता है उसी को अपनाना अच्छा होता है। अगर एक सार में इसकी कविता की बात की जाए तो हमारे लिए सभी के लिए जो सीधा रास्ता है, कोई भटकाव नहीं, उलझन नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता नहीं लेना है,
सीधे रास्ते चलना है तो ही जीवन सफल है, यानी कि हम अपनी बात को कह पाएंगे, स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। बहुत ही अच्छी जो है कविता लिखी है। और जो अध्यापक भी है वो यही कहता है कि हमेशा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, इस प्रकार से भाषा को सहूलियत से बरतना चाहिए, मन में जो भाव आए बिना किसी लाग लपेट के और बनावट के कहना, सरल शब्दों का प्रयोग करना और किसी भी अन्य घुमाव फिराव के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में ना रहना, यही जो कवि का मूल उद्देश्य है इस कविता को लिखने का। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ये देखिए, इसमें एक भाव आया है कि कविता भी फूलों के समान महकती है, खिलती है, लोगों को आनंदित करती है और इस प्रकार से वह फूल से भी अधिक चेतन और आनंदमय है। तो ये भाषा जो है स्पष्ट है, यहाँ पर जो भी भाव हो रहे हैं कवि के अंदर, भाव जो आ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता बच्चों को आनंद पर क्रीड़ा की तरह शब्दों के खेल खेलती है। किससे खेलता है कवि? शब्दों से। कवि शब्दों के माध्यम से मनमाने अर्थ, प्रभाव और सौंदर्य की रचना कर लेता है और यह सब खेल जो है भेदभाव से रहित होता है। इसी प्रकार से बात सीधी थी, यह कविता जो है बहुत ही अच्छी बन पड़ी है और इसमें जो है